जाय। उनके पद पर शोभित होते सूरी सनमति सिंधु महान, अर्घ चढ़ा कर करु वंदना पाने को मैं शिवपुर धाम। ओम ओम परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज, ओम ओम परम पूज्य मांगल कीर्ति जी महाराज, ओम ओम परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज, ओम तपस्वी सम्राट आचार्य संत सागर जी महाराज, जिनके चरणारविंद में अमृत पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। एत वंदन तीर्थम करके लघुनंदन, पुण्य कुंद साचारित जिनका पंचम युग के हे भगवन। विद्या वारिधि ज्ञान दिवाकर चरणों अर्घ करूं अर्पण, गुरु सुनील सागर चरणों में मेरा बारंबार नमन, मेरा बारंबार नमन। ओम परम पूज्य चतुर्पटादि आचार्य सुनील सागर जी, जिनके चरणारविंद में अनंत पद प्राप्त अनंत अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आज यहाँ की प्रसन्नता हुई कि आज नन्हे मुन्ने बच्चों के मुख से तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव का चालीसा, इस चालीसा में उनका पूरा जीवन चरित्र पूर्ण स्मरण आ जाया करता है। एक बड़े सुंदर उच्चारण के साथ आप सबने बोला, निश्चित है इस भाव का फल नहीं, कई भावों का फल होगा कि हम जन्म से जैन नहीं है, जैनों को उनका चालीसा नहीं आता कई बार, पर आप लोग तपस्वी सम्राट का चालीसा सुनाए वास्तव में अभिनय बहुत बड़ा प्रयास है और पुण्य है। मेरी भावना, जिस मेरी भावना में पूरा द्वादशांक समाया है, मेरी भावना पूरी जैन धर्म का समय सार का विषय इसमें समाया है, मेरी भावना यदि जीवन में आ गई समझ लो मैंने सब कुछ सीख लिया। मेरी भावना अभी आप उसके अर्थ को कम जान पा रहे होंगे, पर आज उसको आपने स्मरण करके और बड़े बड़े सुंदर तरीके से सुनाया है, और निश्चित ही समय आएगा कि संस्कार व्यर्थ नहीं जाएंगे। जब आप बढ़ती हुई उम्र जवानी पर पहुंचेंगे तो आपको मेरी भावना की सुंदर बोल याद आएंगे और वो बोल आपको सदा मार्गदर्शन करेंगे, वो बोल हमें बुराइयों से बचाएंगे। मेरी भावना की जो बातें हैं, जो उसमें बातें छुपी हुई हैं, वो हमें दुर्भावनाओं से छुप बचाएंगे, वो हमारे लिए सत्य अहिंसा सत्य के पथ पर ले जाएंगे, वो हमें भगवान महावीर और राम कृष्ण के पथ पर ले जाएंगे, वह हमें नेक और श्रेष्ठ इंसान बनाने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जो मेरी भावना। इससे बड़ा प्रवचन क्या हो सकता है। अब आप जब भी मेरी भावना, जरूरी कि आप यहीं पढ़ रहे होते हैं, आप कहीं घर पे हो, काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तब भी आप सुंदर तरीके से उच्चारण करते हो मन मन में, या धीरे धीरे मुख शुद्धि करके कर सकते हैं। बच्चों को देखकर बड़ा अच्छा लगा। बच्चों निश्चित है अनिल कुमार जी बहुत सुंदर प्रयास कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ, ये कई बार संघ में आए हैं, पर मुझे नहीं मालूम था कि इस तरीके से स्कूल चल रहा है, पर जब आज यहाँ आना हुआ तो लगा कि वास्तव में